19 का सर्टिफिकेट अपने मोबाइल से डाउनलोडिंग करना चाहते हैं तो बड़ी आसान तरीके से अपने व्हाट्सएप में आकर दोस्तों अपने सर्टिफिकेट को डाउनलोडिंग कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों देख पा रहे, मैंने अपने व्हाट्सएप में अपने कोविड-19 के वैक्सीन जब भी मैंने लगवाया तो उसका सर्टिफिकेट अपने मोबाइल से मैंने अपने व्हाट्सएप से ही डाउनलोडिंग कर लिया था। आप भी अपने व्हाट्सएप से डाउनलोडिंग करना चाहते हो तो वीडियो को पूरा देखें। जैसे कि यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, सिंपल से आपको लिखना है कोविड सर्टिफिकेट, आपको लिख के यहाँ पर मैसेज भेजना। भेजने के बाद ऑटोमेटिक आपके पास यहाँ पर कोविड-19 का सर्टिफिकेट आपको सामने यहाँ पर भेज दिया जाएगा। यहाँ से आप डाउनलोडिंग कर सकते हो बड़ी आसान तरीके। तो कैसे करना है इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देख लीजिए और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों उसके लिए आपको जाना अपने कॉलर में। दोस्तों आप सबसे पहले यहाँ पर कॉल पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको नंबर यहाँ पर सेव करना, जिसका नंबर है दोस्तों 9013151515। यहाँ पर देख पा रहे आपको नंबर ये देखने को मिला है। ये नंबर सबसे पहले आपको अपने कॉन्टैक्ट में सेव कर लेना, तो ये नंबर अपने मोबाइल में सेव कर लेते हैं। तो आपको भी अपने मोबाइल में ये नंबर सबसे पहले सेव कर लेना। तो मैं यहाँ पर सेव कर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद कुछ भी नाम से ये नंबर को आपको सेव करना, जैसे कि मैं आप लिख रहा हूँ कोविड-19, तो मैं यहाँ पर कोविड-19 के नाम से ये नंबर मैं यहाँ पर सेव कर लेता हूँ। आप किसी भी नाम से नंबर को सेव कर सकते हो। तो मैंने ये नंबर सेव कर लिया। सेव करने के बाद कुछ भी नहीं करना, सिंपल से आपको आना अपने व्हाट्सएप में। चलिए अपने व्हाट्सएप यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। सेव करने के बाद सिंपल से आपको यहाँ पर सर्च पर क्लिक करना, जो भी नंबर आपने सेव किया वो नंबर आपको यहाँ पर सर्च कर लेना। जैसे कि मैंने नाम लिखा है कोविड-19, तो मैं कोविड-19 लिख के मैं सर्च करूँगा। तो देख पा रहे हो तो मैंने ये नंबर यहाँ पर सेव किया, ये नंबर मेरे पास यहाँ पर आ चुका है। सबसे ऊपर में आपको देखने को मिला, सिंपल से मैं ये नंबर पर क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही क्लिक कीजिए तो आपको सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको सिंपल से कुछ भी नहीं करना, यहाँ पर आपको लिखना है कोविड सर्टिफिकेट, आपको इतना लिख के यहाँ पर मैसेज करना है। चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कोविड सर्टिफिकेट, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। एक बार तो कोविड सर्टिफिकेट आपको इतना लिख के यहाँ पर मैसेज भेज देना है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कोविड सर्टिफिकेट, मैंने लिख के यहाँ पर मैसेज सेंड कर दिया, मैसेज यहाँ पर जा चुका है। तो जैसे ही मैसेज लेकर सर्च कीजिए भेजिएगा यहाँ पर कोविड सर्टिफिकेट, यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर एक मैसेज भेजेगा। जो भी नंबर से अपने कोविड जिस भी नंबर से दोस्तों जब भी अपने सुइया यानी दोस्तों कोविड-19 का वैक्सीन लगवाया है उस समय जो भी अपना नंबर दिया है उस नंबर से आपको मैसेज भेजना। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर एक मैसेज भेजा जाएगा। यहाँ पर मेरे नाम पर एक मैसेज यहाँ पर आ चुका है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा कोविड सर्टिफिकेट, मेरे मोबाइल नंबर एक मैसेज भेजा गया। यहाँ पर देख पा रहे आ चुका है प्लीज़ एंटर योर 6 डिजिट OTP, यानी कि जो भी मैसेज आपको मोबाइल नंबर पर आया वो नंबर आपको बोलना है यहाँ पर भेजने के लिए। तो सिंपल से आपको मैसेज पर फिर से क्लिक करना है। जो भी नंबर आपके मैसेज में आया है तो आपके पास मैसेज है वो नंबर आपको सिंपल से यहाँ पर लिख देना है। तो यहाँ पर देख पा रहे मेरे पास ये OTP आ चुका है। OTP आपको सिंपल से अपने व्हाट्सएप में टाइप कर देना है। तो मैंने यहाँ पर मैसेज लिख दिया। मैसेज लिखने के बाद सिंपल से आपको फिर से यहाँ पर सेंड पर क्लिक करना। मैंने यहाँ पर मैसेज सेंड कर दिया। जैसे आप यहाँ पर मैसेज सेंड कीजिएगा तो आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ गया प्लीज़ कन्फर्म OTP है 30 सेकेंड। यहाँ पर लिखा हुआ गया प्लीज़ मेंटेन 30 सेकेंड, यानी कि दोस्तों इस तरह से लिखा हुआ गया। उसके बाद नीचे में आपको यहाँ पर देखो लिखा हुआ है हेयर योर मेंबर रजिस्टर विथ दिस नंबर, यानी कि दोस्तों आपके मोबाइल नंबर जितने लोगों ने भी वैक्सीन लगवाया सबका नाम आपको इस तरह से यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देख पा रहे नंबर ए लिखा हुआ है एक, उसके बाद लिखा हुआ है सुधीर कुमार दोस्तों, यानी कि दोस्तों यहाँ पर मेरा नाम लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि दोस्तों इस नंबर से मैंने वैक्सीन लगवाया तो मेरा नाम यहाँ पर लिखा हुआ आ गया। तो और इस नंबर से कोई और भी लिया हुआ तो उसका भी नाम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ 1, यानी कि दोस्तों जिसका भी आप डाउनलोडिंग करना चाहते हो उस पर आपको क्लिक करना। सिंपल से यहाँ पर लिखा हुआ है सुधीर, तो यहाँ पर लिखा हुआ है सुधीर एक नंबर, यहाँ पर लिखा हुआ एक, आपको सिंपल से यहाँ पर एक पर क्लिक करना। आप जिसका भी डाउनलोडिंग करना चाहते हो उसका यहाँ पर लिख के आप भेज सकते हो। तो दोस्तों मैंने एक क्लिक, मैंने यहाँ पर एक लिख दिया। लिखने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ सेंड, आपको फिर से सेंड पर क्लिक करना। तो जैसे मैंने सेंड पर क्लिक किया था तो मैं आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट देखने को मिल जाएगा। चलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर वेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देख पा रहे यहाँ पर लिखा हुआ सर्टिफिकेट, मेरे पास यहाँ पर मैसेज यहाँ पर आ चुका है। जैसे मैंने 1 लिखा यहाँ पर सर्च की, यानी कि दोस्तों मैंने मैसेज किया यहाँ पर लिखा हुआ आ गया सर्टिफिकेट। आपको सिंपल से सर्टिफिकेट पर क्लिक करना है, इसको आपको डाउनलोडिंग कर लेना। तो मैंने इस पर क्लिक कर लिया। क्लिक करने के बाद डाउनलोडिंग हो रहा है, उसके बाद डाउनलोडिंग यहाँ पर हो चुका है। मैं इस पर क्लिक करके वो दिखा देता हूँ। तो मैंने जैसे इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर देख पा रहा हूँ तो आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट देखने को मिल जाए। तो इस तरह से बड़ी आसान तरीके से अपने व्हाट्सएप से सर्टिफिकेट को डाउनलोडिंग कर सकते हो, किसी भी तरह का कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब।